नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। चौटाला परिवार का विवाद जहां रोकने का नाम नहीं ले रहा है, वहीं पर लोगों द्वारा अटकलों का सिलसिला भी जारी है। दुष्यंत के समर्थकों ने नई पार्टी बनाने की चर्चा भी गर्म कर रखी है। 18 से 21 के बीच में हो सकती है इसकी घोषणा। वहीं सांसद दुष्यंत चौटाला ने कल बोले हिसार में दादा के जेल जाने से पहले दिल्ली में नोटिस का जवाब भी देंगे। वहीं उन्होंने अपने आप को सुनामी की एक बूंद बताया और बोले सुनामी में एक बूंद कभी दोषी नहीं हो सकती। ये बात उन्होंने भरे दिल से कही थी। वहीं चर्चा यह भी है कि अभय और सांसद दुष्यंत दोनों पक्ष पार्टी में गुपचुप एक इंटरनल सर्वे करवा रहे हैं और दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जो भी ओपी चौटाला फैसला लेंगे वह सर्वमान्य होगा और मेरा फैसला क्या होगा ये सबसे पहले मैं हिसार की जनता को बताऊँगा। वहीं दोनों गुट आपस में भांप रहे हैं कि कौन पदाधिकारी और कौन कार्यकर्ता कौन और किसके साथ है। वहीं एक और पार्टी में रजिस्ट्रेशन करवाने तथा उनका नाम रखने की चर्चा भी तेज है। वहीं इनेलो में विशेष आमंत्रित सदस्यों की सूची भी जारी हो चुकी है। इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने दुष्यंत और दिग्विजय के निलंबन के बाद में नोटिस दे रखा है, जिसको लेकर के दादा पोते में 18 को दिल्ली में मुलाकात होगी। यहीं पर दुष्यंत अपना पक्ष भी रखेंगे। इसी दिन ओपी चौटाला को जेल भी जाना है। सोमवार को दुष्यंत ने हिसार में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और हिसार में दुष्यंत ने कहा कि उन्होंने हमेशा संगठन को मजबूत बनाने के लिए काम किया है। कहा सुनामी आती है तो पानी की एक बूंद को उठा करके नुकसान के लिए दोषी करार नहीं दिया जाता। वहीं संगठन में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझे दोषी करार दिया है। वो खुद गोहाना रैली के बाद में उपजी परिस्थितियों से आहत है। जो लोग संगठन में फूट डालने का काम कर रहे हैं वे कभी अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगे। वहीं उन्होंने कहा कि अगला कदम जो भी होगा चौधरी अजय सिंह चौटाला के बाहर आने के बाद उठाया जाएगा। हमारी कोई गलती नहीं, फिर भी मजबूती के साथ में जवाब भी दिया जाएगा। दुष्यंत ने कहा कि ओपी चौटाला जो भी अंतिम निर्णय लेंगे वह सर्वमान्य होगा। वहीं उन्होंने कहा कि ओपी चौटाला जो निर्णय लेंगे वो सबसे पहले मैं हिसार की जनता को बताऊंगा, इसके बाद में कोई फैसला लिया जाएगा। अब देखना यह है कि इनेलो सुप्रीमो प्रकाश चौटाला दुष्यंत के जवाब में संतुष्ट होते हैं या फिर हमेशा के लिए पार्टी का उनका निलंबन करेगी। वहीं अगर कुछ अखबारों की माने तो उनके पास 3 रास्ते हैं। एक, वे अपनी गलती माने, दूसरे किसी दल में जाएं या फिर नई पार्टी बनाएं। दुष्यंत के पास पहला विकल्प होगा कि वो अपनी गलती मान ले और पार्टी में जैसे तैसे बने रहें। स्थिति में उन्हें एक दशक से अधिक समय तक अपने चाचा अभय के नीचे काम करना होगा। इस हालत में यह इतना आसान भी नहीं होगा। इसके बाद भी अभय बेटे उत्तराधिकारी बन सकते हैं और उनके पास दूसरा विकल्प ये होगा कि भाजपा या किसी अन्य पार्टी में चले जाएं। एक विकल्प उनके पास ये भी है कि भाजपा व किसी अन्य पार्टी में उनके चले जाना ठीक रहेगा, लेकिन इतिहास देखें तो जब भी कोई नेता इस तरह से दूसरी पार्टी में गया है उसका खुद का वजूद खत्म हो गया। उसके कम चांस हैं कि पिछले चुनावों से पहले कुछ नेता भाजपा में भी गए थे। तीसरा विकल्प उनके पास भी है कि वह एक नई पार्टी का गठन करें बावजूद इसके कि वे दूसरी पार्टी में जाएं। इससे अच्छा यही होगा कि वे अपना एक संगठन बनाएं और पार्टी को उसका नाम दें। इससे वे भाजपा, कांग्रेस व दूसरी नाराज नेताओं को भी जवाब दे सकते हैं। इसी के साथ आप देख रहे हैं पलटन की एक खास रिपोर्ट। बधाई दे रहे हैं और उसके बाद जो भी निर्णय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने लिए, एक निवेदन आप सबके सामने भी करने आया था कि उसके प्रति तमाम साथी
अपना साथ देने का काम करें। मराने से पहले मेरे को बड़ा झटका लगा, दुख हुआ कि मेरे ही जिले के मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले लोगों ने कहीं ना कहीं आज मुझे दोषी बना दिया। दोषी नहीं हो ना, मैं विपरीत हूं। मैं तो अपने आप को साबित भी करके रहूंगा मगर एक चीज आपसे भी निवेदन करता, आप सभी चौधरी देवीलाल की विचारधारा से जुड़े लोग और आप सभी ने निरंतर संगठन को एक नई ताकत देने का काम किया। मुझे तो याद है 2013 के अंदर डॉक्टर साहब को और चौटाला साहब को सजा हुई थी और मैं पहली बार हिसार में आया था जब डाका चौक पर ऑफिस होता था, तब भी मैंने आपके बीच में आकर एक ही चीज कही कि निर्णय कोई भी ले रहा हो हम एक परिवार हैं, सब मिलकर लेंगे। और आपने निर्णय लिया, सर्वसम्मति करकर चौटाला साहब को संदेश दिया कि परिवार का साथी सदस्य कोई साथ लोकसभा से उतरे। चौटाला साहब ने जिम्मेवारी मेरे को सांसद बनने की दी, मैं आपके बीच में रहा, निरंतर मजबूती के साथ जो भी जिम्मेवारी पार्टी ने जहां भी लगाई उस जिम्मेवारी पे खड़ा करने का प्रयास किया। नहीं होगी तो जरूर माफी का भी हकदार, मगर आज जरूर मेरे को ऐसा लगा कि कुछ चुनिंदा साथियों ने कहीं ना कहीं मेरी कमियां दर्शाने का काम किया। बुजुर्गों युवा साथियों, ये मैदान आपका, आप बनाने वाले हो आप बताने वाले, अगर वर्कर मजबूती के साथ मैदान संभालेंगे तभी संगठन मजबूत होगा और वर्कर अगर दंडक पाड़ेंगे तो बड़े बड़े को अच्छे आपने देखा है। मैं तो इंडियन नेशनल लोकदल का एक सच्चा सिपाही हूं और मजबूती के साथ इस संगठन को आगे बढ़ाने का काम कर रहा और करता रहूंगा। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि जो भी निर्णय लिया जाएगा, जो भी निर्णय चौटाला साहब लेंगे, सबसे निवेदन है उनके प्रति कोई भी साथी किसी तरह की भी शब्दावली का इस्तेमाल नहीं करे और अपने हमारे लिए कोई सीएम है तो केवल मास्टर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी। मैं आप सबसे निवेदन करता कि जो परिस्थितियां रैली के बाद रही, मैं खुद बहुत आहत दुखी, मगर जब सुनामी आती है तो पानी के एक बूंद को आप उठाकर दोषी करार नहीं दे सकते। बुजुर्गों युवा साथियों, मैं आप सबसे निवेदन करता, नोटिस आएगा मैं जवाब दूंगा, अगर मैं दोषी होऊंगा तो मेरे पे कार्रवाई होगी,
मगर आप सबसे निवेदन है कि आप सबने मजबूती के साथ संघर्ष कर इस पौधे को इस पेड़ के रूप में लाने का काम किया। कोई भी निर्णय होगा मैं वो फैसला डॉक्टर साहब पे छोड़ूंगा, और जो निर्णय डॉक्टर साहब लेंगे वो इसी पावन धरा पर आकर आप पे छोड़ने का काम करूंगा। मगर आप सबसे निवेदन करता हूं मैं सबसे यही निवेदन करता कि पहले से भी ज्यादा कमर कसकर और मजबूती के साथ जो हमारी आगामी लड़ाई है एक एक साथी उसकी तैयारी करने का काम करे। बुजुर्ग युवा साथियों, मैंने तो निरंतर हिसार को अपनी कर्म भूमि माना और आने वाले समय में भी हिसार ही मेरी कर्म भूमि रहेगी। लोग बात करते हैं विधानसभा की सीएम की, मैं तो निरंतर कहता आया हूं कि मैं अगर कोई चुनाव अगला लड़ूंगा तो आपके बीच में लोकसभा का लड़ूंगा, और वो भी जिम्मेदारी अगर संगठन देगा। मैं एक चीज आपके मन में जरूर साफ करना चाहूंगा, कई लोग हैं जो ये प्रयास कर रहे हैं कि संगठन बिखर जाए, उन लोगों को यह नहीं पता कि संगठन के अंदर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के भी 40 साल लगे हुए। इस संगठन को कमजोर नहीं होने देंगे। अगर कोई यह प्रयास करेगा कि संगठन को तोड़ दिया जाए तो उनको यह विश्वास दिला देता हूं कि अब कमजोर पड़ने वाले लोग नहीं, पहले से भी ज्यादा मेहनत करेंगे, पहले से भी संघर्ष ज्यादा करेंगे, और एक नई ताकत के तौर पर इस संगठन को आगे ले जाने का काम करेंगे। मेरी विनती आप सबसे कि जो भी निर्णय होगा मैं उसका फैसला आपके बीच में छोड़ूंगा, और मैं चाहूंगा कि अगर न्याय मिले तो न्याय फिर हिसार की धरती से पहले आप लोग देने का काम करोगे। मैं तो यही विनती आपके बीच में करने आया था, और यही उम्मीद करता कुछ चुनिंदा लोग हिसार के अंदर भी मुझे दोषी बना रहे, मैं उन लोगों से जरूर आग्रह करूंगा इतना बड़ा निर्णय लेने से पहले सुनामी की गहराई को नापने का काम करते, चाहे वो सुनामी की गहराई का एक हिस्सा आप लोग भी थे, आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं उस सुनामी को स्टार्ट करने का अर्थक्वेक बनकर काम किया था। और मैं आपको एक विश्वास दिला देता, एक एक तथ्य एक एक सबूत के साथ उस चीज को आने वाले समय में आगे भी लाने का काम करूंगा। मैं यही उम्मीद करता हूं कि आप सभी साथी चौटाला साहब का पूरा सम्मान रखेंगे, वो हमारे परिवार के इस संगठन के मुखिया है, और हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम अपने मुखिया के कंधों को झुकने ना दे, एक ताकत बनकर तो एक नई ऊर्जा देने का काम करेंगे। मैं तो दोबारा निरंतर जो आपका प्यार है आशीर्वाद है उसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं, और सबका बहुत बहुत धन्यवाद।